नाना आसमा बिनत उस्मान फौदी फोला शहजादी और सुकोतो खिलाफत की प्रिंसेस थी। वो नाइजीरिया में एक काबिल एहतराम शख्सियत थी। वो एक पोएट, हिस्टोरियन, एडुकेटर और स्कॉलर थी जिन्होंने अपने वालिद की वफात के बाद तकरीबन 50 साल तक वेस्ट अफ्रीका में पॉलिटिकल, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल सिस्टम की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। नाना आसमा का पुख्ता यकीन था कि तालीम नजात का जरिया है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर मुस्लिम ख़वातीन को तालीम देने में बहुत ज़्यादा ताउन किया, तालीम के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दी। नाना आसमा क्वाड्रिलिंगुअल थी, यानी चार लैंग्वेजेस बोलती थी। नाना आसमा रूरल ख़वातीन के लिए एक मोबाइल तालीमी निज़ाम कायम किया। इनके बारे में सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामिक सोसाइटी में ख़वातीन को कभी भी नीचा नहीं देखा गया। फेमिनिज्म के लिए ये बहुत बड़ी मिसाल है कि इन्होंने हमारे लिए मोबाइल एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।